प्रणाम एवरीवन, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सीबीएसई इंग्लिश क्लास 9th यूनिट 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1st पैराग्राफ नंबर 8। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, मीन्स ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन हमेशा अपनी ऑडियंसेस को खुश रखती थी। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल हारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, मीन्स जो रॉयल फिल हारमोनिक सोसाइटी का जो प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड होता है, बहुत जाना माना जो अवार्ड होता है, यह उन्हें 1991 में उपहार में दिया गया था, मीन्स ये उन्होंने प्राप्त किया था। सिस मास्टर परशुनिस्ट जेम्स ब्लेड्स जो बहुत अच्छे ताल वादक हैं, मीन्स जो ताल वादक है उनके जो मास्टर है वो कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मीन्स ईश्वर ने उनकी सुनने की क्षमता तो ले ली है लेकिन उन्हें कुछ ऐसा दिया है जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मीन्स बहुत अच्छा, बहुत उत्कृष्ट है। वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, मीन्स जो हम सुन पाते हैं वह महसूस करती है, हमसे भी ज़्यादा गहराई से वह उस चीज़ को महसूस कर पाती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसी कारण वह म्यूजिक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस करती है। 9th पैराग्राफ, एवलिन कॉन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्क अहोलिक, मीन्स एवलिन कहती है कि कभी कभी वह वर्क अहोलिक बन जाती। वर्कहोलिक मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसे काम करने से रोकना बहुत कठिन हो, मीन्स वो अपने काम में पूरी तरह से खो जाती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, मीन्स मुझे कभी कभी जो काम मिलता है वह अक्सर क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा कठिन होता है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जो पुरस्कार मिलते हैं वो बहुत विशाल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, मीन्स रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा, देखिए कंसर्ट मीन्स जो संगीत बजाते हैं उसकी जो सभा होती है, जो रेगुलर संगीत की सभा होती है, उसके अलावा एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, जो एवलिन थी वह जेलों में और अस्पतालों में भी निःशुल्क सेवाएँ देती है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, वह यंग म्यूजिशियंस की क्लास के को उच्च प्राथमिकता देती है। आन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, मीन्स एक जो व्यक्ति हैं जो डीफ बच्चों के लिए काम करते हैं, आन रिचलिन हैं जो कि बीथोवन फंड के हैं, वो उनके बारे में कहते हैं, इवलिन के बारे में कहते हैं, शी जस्ट शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, वह डीफ बच्चों के लिए एक उभरती हुई प्रेरणा है। They see that there is nowhere that they cannot go, means वो एवलिन जो है उस चीज़ को भी देख सकती है जहाँ पे कि कोई नहीं है और जहाँ कोई नहीं जा सकता, उस चीज़ को भी वो देख लेती हैं। 10th पैराग्राफ, एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्विस हर एज, मीन्स बहुत से व्यक्ति अपने सारे जीवन में भी जितना नहीं पा सकते उससे भी दोगुना एवलिन ग्लेनी ने अपनी बहुत छोटी उम्र में प्राप्त कर लिया। शी हैज़ ब्रॉट परसुशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और उन्होंने ऑर्केस्ट्रा में जो तालवादन है इसको फ्रंट पे ले आई हैं वो, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उन्होंने यह दर्शा दिया है कि ये बहुत मूविंग हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड, और वह उन सभी व्यक्तियों के लिए अभिप्रेरणा है जो कि हैंडीकेप्ड है, मीन्स जो फिजिकली डिसेबल्ड है, उन सभी के लिए ये एक प्रेरणा है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, वे लोग जो उन्हें देखते हैं वो कहते हैं, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, मीन्स यदि वो ऐसा कर सकती हैं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और उन्होंने लाखों लोगों को वो बहुत ज़्यादा खुशी देती है। सो वी हैव कम्प्लीटेड द फर्स्ट पार्ट of this chapter. This is written by Deborah Kovli. We will discuss part 2 in my next video. Thank you for watching this video.